यहाँ सिर्फ दो ही चॉइस है, मुझे राजीव बी आवर फ्रेंड और रिमेन आवर एनिमी एंड सफर। मेरे हृदय में वैसे नहीं, मेरी मंजिल कहीं और है, क्योंकि मैं इस देश का एक सिपाही हूँ और हमेशा सिपाही बनकर रहूंगा। ये कहा तूने? अब तक तूने मेरे सिर्फ साथ की देखी है। क्या प्रीति ने किया बैक ऑफ? क्या मुसीबत में पड़े मेकर्स? आजकल बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफ़ी उथल पुथल मची हुई है, क्योंकि हर फिल्म मेकर इस समय अपने काम को ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री में सभी का कुछ यही हाल है, तो हम आए हैं इस समस्या में एक छोटा सा योगदान देने। जी हाँ, तो अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फ़ायदा उठाएँ। तो अब आते हैं हम बॉबी देओल की सुपरहिट मूवी जिसका रीमेक ट्रैक पे है। आइए तो बात करते हैं इस मूवी से रिलेटेड लेटेस्ट हैपनिंग्स की। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि मूवी सोल्जर के रीमेक में प्रीति जिंदा भी होने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं है। जी हाँ, तो फैंस के लिए ये एक बुरी खबर है कि इस मूवी में डिस्प्यूट के कारण प्रीति ने इस मूवी को छोड़ दिया है। फिल्म मेकर से प्रीति की ये डिमांड थी कि उन्हें भी मूवी में एक्शन करने को मिले, लेकिन ये स्क्रिप्ट के साथ सही नहीं बैठ रहा था, इसलिए मेकर्स ने उन्हें मना कर दिया। जिसके बाद भी उन्होंने मेकर्स को कन्विंस करने का काफ़ी ट्राई किया, पर मेकर्स के कन्विंस ना होने पर उन्होंने मूवी को रिजेक्ट कर दिया, जिसके बाद मेकर्स की टेंशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। यानी कि अब प्रीति का रिप्लेसमेंट ढूंढना, और वो भी इस समय जब मूवी की मेकिंग शुरू हो चुकी है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात है। ऑल्दो हमारे हिसाब से ये दोनों तरफ की ही गलती है, जहाँ प्रीति ने कमिटमेंट देकर हाथ पीछे खींचे, ये उनकी गलती है, और साथ ही साथ मेकर्स के नॉन एडजस्टिंग नेचर की भी काफ़ी हद तक गलती है उनके इस प्रॉब्लम में फंसने की। अब देखने वाली ये बात होगी कि क्या मेकर्स प्रीति के इस डिमांड को पूरा करेंगे या फिर ढूंढ लेंगे प्रीति की रिप्लेसमेंट। ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए बॉलीग्राड स्टूडियो के साथ, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।